जी तो व्यूवर्स, ये देखें फाइनली हमारा जो है ना क्रिसमस ट्री जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो ये आज मैं कर्टन्स लेके आई हूँ अपने घर के लिए, और आपने मुझे बताना है ये कैसे हैं। ये देखें जी, तो अभी ना इसमें चीज़ें रह गई हैं लगने वाली। अभी यहाँ पर मैंने सारी तूड़ी बिछानी है, तूड़ी के अंदर हमने लाइटें लगानी है, तो उसके बाद जो है ना ये पूरी चरनी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो अभी ये मैंने अपनी सारी सीढ़ियों पे ये सजाया, ये आप देख सकते हैं, बड़े ही माशाल्लाह, खुदा उनका शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चर्च से आई हूँ, खुदा का शुक्र है कि मेरा आज लास्ट ट्यूसडे था, खुदा उनके फजल करम से वो भी पूरा हो गया है। तो अभी फादर जी आ रहे हैं, फादर जी का मैंने खाना किया और मैंने अपने घर के लिए बरकत चाहिए, तो वो भी आएंगे तो हमारे घर को बरकत देंगे, और खुदा उनका बहुत बहुत शुक्र है। तो अभी वीडियो के साथ बने रहें और मैं आप दिखाऊंगी कि फादर जी आएंगे तो फिर मैंने क्या कुछ बनाया। इंजील उसका 15 बाब उसकी पहली आयत से सुनेंगे। फिर खुदावंद यीशु ने फरमाया, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के पाक हो गए हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह की डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना हो। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और उसमें वो बहुत ज़्यादा, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहो रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांग जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरेंगे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की तायबाफ की जाए। हम दुआ मांगे, तेरे मुकद्दसीन और मुकद्दसा मरियम हमेशा इस खानदान के लिए सिफारिश करते रहे। ऐ खुदावंदा, तू इस खानदान का मुहाफिज होने के बानों ना, खानदान के तमाम अफराद को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करना। हमेशा घरानों को अपने अच्छे खुदावंद तेरा कभी हाथ इस खानदान का रहे। आज दुआ भी करते हैं माँ जी की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, खुदावंद तेरे बड़ी बरकत दे। इनकी सारी खिदमत को हमेशा याद रखना खुदावंद, जो ये तेरे घर में अदा करते हैं। खुदावंद तेरे खानदान को बरकत दे, और इस खिदमत के वसीले से हमारी बुजुर्ग वालदा को तो अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करना। आज की सर रफाकत और शराफत हमारी हिफाजत में रखना, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। तो में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब बोल हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब बोल हमारी मौत के वक्त। आमीन। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। जैसा कि अब्तदा में था, अब हमेशा होगा। आमीन। और आपके साथ भी हो। आमीन। करो करो शुक्रिया हो वादा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, क्यों जो शुक्रिया वादाई करो करो शुक्र।
तो ये व्यूअर्स मैंने सूप बनाया, ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बना है जी। तो व्यूअर्स फाइनली सारे काम बड़े अच्छे से हो गए, खुदा उनका शुक्र है। फादर जी ने हमारे घर को भी ब्लेस किया और दुआ भी की है, खुदा उनका लाख लाख शुक्र है। तो हमारे ट्री भी तैयार हो गए जो मैंने आपको दिखाया है, तो सारा कुछ बड़ा अच्छा हो गया, खुदा का शुक्र है। आज ये मेरे वीडियो का दूसरा पार्ट है, ये भी आप देखें और इन्जॉय करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एक नई वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।